में इस समय ज्ञानवापी मस्जिद और वहां पर हुए सर्वे को लेकर चर्चा जोरों पर है, और उस चर्चा में एक तरीके से एक विवाद की कड़ी जुड़ी है। और वो विवाद की क्या वजह है, हमारे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रतन लाल साहब हैं। आपने एक पोस्ट किया, उसको लेकर के विवाद है। आप खुद बताइए कि क्या पूरा मामला है, किस बात को लेकर के आपने क्या टिप्पणियां की। विवाद मैंने नहीं शुरू किया, विवाद तो टेलीविजन चैनल डिबेट्स और जो सोशल मीडिया पे लोग हैं उन्होंने शुरू किया। मैं इतिहास का छात्र हूँ और इतिहास का छात्र अपने हिसाब से चीज़ों को देखता है। जैसे अगर आधा गिलास पानी है तो आप कह सकते हैं कि आधा भरा हुआ है, कोई कह सकता है आधा खाली है। जो फोटो सोशल मीडिया पे जो वायरल हुआ शिवलिंग का, तो कल भी मैं एक जगह बोल रहा था, मैंने कहा जिन लोग कह रहे हैं कि शिवलिंग है तो उनको बताना चाहिए पहले शिवलिंग के कितने प्रकार हैं देश भर में, और उसको देखिएगा तो वो कैसे ऐसे लग रहा है कि ऊपर से काट दिया गया, तोड़ा हुआ नहीं काटा हुआ लग रहा है, उसे पांच इस तरह के धारी बनाए हुए हैं पांच तरफ से। तो मैंने क्या लिखा था, अगर मुसलमान इस देश में आए और उन्होंने कन्वर्जन अगर कराया, बला फोर्सफुली कन्वर्जन कराया, तो पहला काम क्या होता है, जैसे ईसाई में बैप्टिज्म होता है तो इस्लाम में क्या करता है, इस्लाम में खतना होता है। तो मैंने यही लिखा ना कि हो सकता है कि इस्लाम आक्रांता जो है, यदि ये शिवलिंग है, यदि तो लगता है कि इससे छेड़छाड़, साधु भी कर रहे हैं छेड़छाड़ हुई है, तो साधु को टेलीविजन वालों से पूछना चाहिए कि छेड़छाड़ का क्या मतलब है। मैंने कहा कि उसमें लगता है कि इन लोगों ने खतना किया है उपहास करने के लिए, जैसे बुद्धिस्ट प्रतिमाओं को तोड़ा गया है, बुद्धिस्ट टेम्पल्स में बिहार पे कब्जा किया गया है, तो क्या किया गया, बुद्ध की मूर्ति तोड़ा, किसने तोड़ा। तो एक मेरी राय है, यदि मैं कह रहा हूं तो ये तानाशाही है कि आप मुझे बोलने भी नहीं देंगे। अगर आक्रांता जिस समय, पहले तो ज्ञानवापी मस्जिद किसने बनाया और कब बना, इसका कोई डॉक्यूमेंटल प्रूफ नहीं, कोई डॉक्यूमेंटल प्रूफ नहीं। जो भी मीडिया वाली हिस्ट्री के लोग हैं वो जानते हैं। और दूसरी बात है कि इस पर शिवलिंग है कि नहीं चर्चा होगी, आर्ट हिस्टोरियन बात करेंगे, आर्ट आर्किटेक्चर पे जो काम करते हैं वो बात करेंगे। अब दो मौलाना दो साधु बैठा के आप इसमें बहस करा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि नहीं है ही, टेलीविजन चैनल ओपिनियन बना रहे हैं। तो मैंने ये भी कहा है कि ये तो 2024 का इलेक्शन एजेंडा सेट हो रहा है। तो इस पे जो लोग हजारों की संख्या में ट्विटर और फेसबुक पढ़े लिखे लोग जो गालियां बद्दी बद्दी गालियां दे रहे हैं, मैंने किसी को गाली नहीं दी मैंने किसी को, मैंने एक ओपिनियन रखा। तो उस पे अंबेडकर को गाली दे रहे हैं, तमाम लोगों को गाली दे रहे हैं, जान से मारने की धमकी, तो ये कर देंगे वो कर देंगे, आपने देखा ही होगा फेसबुक ट्विटर सब पर। तो क्या इस देश में लोग सही नहीं है। अच्छा एक बात बताइए कि ठीक है, ये मान सकते हैं कि इतिहासकार की नजर में और आर्किटेक्ट की नजर में वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर शिवलिंग को लेकर के एक आपत्तिजनक टिप्पणी अगर हो तो आपको लगता नहीं है क्या कि कहीं ना कहीं भावनाएं हैं, कई लोगों की आहत हुई होंगी और इसीलिए ऐसी टिप्पणियां हैं और इसीलिए आपके खिलाफ ऐसा गुस्सा है। पीपल का पत्ता हम तोड़ दे तब भी आपकी भावना आहत हो जाएगी, कुत्ता ही यहाँ भैरों की सवारी है, उल्लू भी सवारी है। अब किस मेरी भावना आहत नहीं हो रही, लाखों लोग मुझे गालियां दे रहे हैं, अम्बेडकर को गालियां दे रहे हैं, तो मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया तो उनकी भावना है, आपके पांव चरण और मेरे पांव लात, हमारी भावना आप नहीं हो रही। आप एक काम करिए ना, महालिंग पुराण किताब जो है उसको जला दीजिए, गीता प्रेस ने जितनी किताबें छापी हैं उसको जला दीजिए, अंबेडकर साहब ने भारत सरकार ने किताबें छापी हैं उसको जला दीजिए, फूले की किताब जला दीजिए, सारे कुछ जला दीजिए। अगर हम जाएंगे खजुराहो पे जो मंदिर बना हुआ है वो सब लोग देखते हैं, खाली मैं कह दूं कि यहाँ पे ये जो है काम मुद्रा में है, तो इससे आपकी भावना आहत हो जाती है। शिवलिंग कहाँ स्थापित है बताइए, आप बता दीजिए मुझे, कोई इतिहासकार जर्नलिस्ट बता दे कि स्थापित आप कामाख्या में, योनि की पूजा करते हैं, टेम्पल कोणार्क चले जाइए कुछ और वहां मिलेगा टेम्पल के ऊपर, तो हर चीज से आपकी भावना आहत हो रही। इस देश में संविधान और विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है कि नहीं, आप मुझे गाली देंगे, मुझे जान से मारने की धमकी देंगे, आप जाइए न्यायालय जाइए कोर्ट जाइए। और दूसरी बात है, ये शब्द गैर संवैधानिक कैसे है, अपमानजनक कैसे है, पहले साबित करना होगा। मैंने कहा यदि ये शिवलिंग है, अभी साबित हो गया है कि शिवलिंग है। अब कोई भी आक्रांता आएगा तो इतिहासकार कैसे पढ़ आएगा, तो पहले आपके प्रतीकों को तोड़ता है, उसको छेड़छाड़ करता है। तो मैंने यही कहा ना कि प्रतीक कैसे छेड़छाड़, उस साधु भी कह रहे हैं, मैंने कहा तो मुसलमान आए होंगे तो क्या किए होंगे, ईसाई आए होंगे तो क्या किए होंगे, ईसाई बनाए होंगे ना, तो वो तो जो
पराजित कम्युनिटी है, औरंगजेब पे बात, औरंगजेब ने दक्षिणा नहीं दिया ब्राह्मणों को, मंदिर को नहीं दिया दक्षिणा। मैं इतिहास की किताब निकाल के दिखा सकता हूँ। अच्छा, ये जो पूरा हर बात पढ़े लिखे लोग की भावना है, आपकी भावना नहीं गाजर मूली है। अच्छा ठीक है, ये बात है, क्योंकि ये जो पूरा अब मामला चल रहा है उसको लेकर के आपके खिलाफ कानूनी लोग कदम भी उठाने की बात कर रहे हैं, पुलिस में भी जाने की बात कर रहे हैं, आप पर मामला दर्ज कराने की भी बात कर रहे हैं, तो ये क्या है? आपको लगता है क्या कि ये जो आपने बात कही है उसको उस तरीके से रोकने का मामला है, किस तरीके का मामला? मैंने एक राय दी है, मेरी राय गलत हो सकती है। जब इतिहास, मैं तो राष्ट्रवादी इतिहासकार पे मैंने PhD की है, मैंने उसमें 6 किताबें पब्लिश की हुई, तो मेरी राय है, आप मेरे से डिसएग्री कर सकते हैं, इसका मतलब मुझे गोली मार देंगे। जितने लोग गाली दिए हैं उसके ऊपर FIR नहीं हो सकता है, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं उसमें FIR नहीं होगा। ये पत्रकारों का, मीडिया हाउस का ये चलाने का काम नहीं कि दिन भर बैठ के वहां ट्रोलिंग करेगा स्टूडियो में। वो अम्बेडकर को आप गाली दे रहे हैं, सबको गाली दे रहे हैं, तो आप क्या चाहते हैं? ये अफगानिस्तान तालिबान बनाना चाहते हैं? मैंने जो शब्द इस्तेमाल किया उस पर बहस कराई, और कैसे गैर संविधान, कैसे आस्था तोड़ा गया है उसको ना, आप कह रहे तोड़ा गया, हम तो कह रहे तोड़ा नहीं गया, और ये लग रहा है कि उसको काटा गया, तोड़ेगा तो अनइवन होगा ना। असाधु सब लोग कर रहे छेड़छाड़, तो मैंने भी कहा छेड़छाड़, तो मुसलमान आएगा तो छेड़छाड़ क्या करेगा, वो तो उपहास करने के लिए कुछ तोड़ फोड़ अपने हिसाब से करेगा ना, उसे 5 इस तरह लकीर खींचा हुआ है, इसकी व्याख्या कौन करेगा? अच्छा, तो जो आपने बात कही उस पर आप अब भी अडिग हैं, आप पूरी तरह से कहते हैं क्योंकि आपने कुछ भी गलत नहीं कहा। मैंने क्या गलत कहा है? जो गलत किया कानून की किताब निकाल, हर बात पे आहत हो गई आप, मेरी भावना, मेरी भी भावना आहत हुई है। लाखों लोग मुझे गालियां दे रहे हैं, उन लाखों के खिलाफ FIR दर्ज होना चाहिए। अम्बेडकर आपके संविधान निर्माता है, और जिस तरह से सोशल मीडिया पे लग रहा है गालियां पड़ रही है, आप बहस कीजिए ना, मंच बुलाइए और इतिहासकार बुलाइए। उस लिंक कौन सोशल मीडिया पे मैं गया था वायरल करने फोटो, पहले उन पत्रकारों को भेज लाइए ना जो फोटो निकाला, उसको जेल भेजिए। तो ये दुकान बना के रखे हैं, ये कैसे होगा भाई? मेरी एक ओपिनियन है, मैंने कोई नहीं कहा कि यही है, मैंने कहा यही। तो हर बात में सबकी आस्था ठेस लग जाती है, तो हमारी आस्था नहीं है इस देश में, दलित बैकवर्ड मुसलमान उसकी कोई आस्था नहीं है, सब आस्था आप ही के पास है। मैंने कोई गलत नहीं कहा, और मैं अडिग हूं, जिनको क्या करिएगा, ज्यादा आपकी आदत है मारने की ना, जान से मारने की, तो मार दीजिए। इस देश में लोकशाही है कि नहीं है? आप जाइए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट ने, अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई ऑर्डर दिया है, मान लीजिए चाहे राम मंदिर पे हो, चाहे बहुत सारे इश्यूज पे होता है, तो उसकी समीक्षा होती है कि नहीं होती? लोग आर्टिकल लिखते हैं कि नहीं, रिव्यू आर्टिकल लिखते हैं कि नहीं लिखते? इसका मतलब कि उसको फांसी पर चढ़ा देंगे। तो कुल मिलाकर के प्रोफेसर रतनलाल साफ कह रहे हैं कि जो भी उन्होंने कही है एक इतिहासकार के नजरिए से उन्होंने बातें कही हैं। एक बात और मैं ऐड कर दूं, ये खुदाई कर रहे हैं ना, इंटरनेशनल कोर्ट ज्यूरी बुलाइए, और जितने इस तरह के मस्जिद हैं उस सब को डीप खुदाई करवाइए, डीप। अगर वहां बौद्ध विहार अगर निकले तो बुद्धिस्टों को वापस करिए। मैं अभी आया हूं सिरपुर से, पूरा इलाका बुद्धिस्ट साइट है, और वहां पर टीका चंदन लगा के विष्णु का अवतार बना दिए हैं, कुछ बना दिए हैं। बौद्धों को उनका जगह, उनका टेम्पल, उनका विहार वापस होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। सिर्फ हिंदुओं की आस्था नहीं है, बौद्धों की भी आस्था है। चलिए, तो बात यही हो रही है कि आस्था का विषय है, और सभी जो धर्मावलंबी हैं उनकी अपनी अपनी आस्थाएं हैं। अगर एक खास धर्म की आस्था की बात होती है तो सभी की आस्था की बात होनी चाहिए। फिलहाल जो टिप्पणी उन्होंने की है उसको लेकर के वो बिल्कुल अडिग है, कह रहे हैं उसमें कोई उन्होंने गलत नहीं कहा है, और अगर किसी को ऐसा लगता है तो न्यायालय है, कोर्ट है, वो वहां जा सकते हैं। सोशल मीडिया पर गाली गलौज सही नहीं है, और उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जो सोशल मीडिया पर लगातार इन्हें और बाकी कई सारे लोगों को गालियां दे रहे हैं। कैमरामैन नासिर खान के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक।